शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जोधपुर दौरे पर सर्किट हाउस में आमजन की समस्याएं सुनी। फलौदी के लिए रवाना होने से पहले मंत्री मदन दिलावर मीडिया से रूबरू हुए। इस मौके पर मंत्री मदन दिलावर ने सरकारी स्कूलों में अर्ध नग्न कपड़े पहनकर आने के सवाल पर कहा कि विद्यालयों के बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए बयान दिया था। शिक्षकों द्वारा आधे अधूरे कपड़े पहनने से बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। देरी से आने पर शिक्षकों से ही बच्चे सीखते हैं। हर प्रकार का आचरण बच्चे और बड़ों से ही ग्रहण करते हैं बच्चे। और मंत्री दिलावर ने कांग्रेस और डोटासरा पर भी निशाना साधा। देखो, जो हमारा विद्यार्थी होता है तो परिवार में भी रहता है और कुछ घंटे, जैसे 7-8 घंटे तो विद्यालय में रहता है, तो माँ बाप को भी उनके सामने अपने आप को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा और शिक्षकों को भी अपने आप को बच्चों के सामने आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा ताकि वो संस्कार ले सके। कोई शिक्षक लेट आता है और वो कोई जो उनसे पूछता है तुम कितने बजे आए, तो आप सही समय आओ, तो बच्चे तो देख रहे हैं, उनको लगता है झूठ बोलने से बचाव हो जाता है। ऐसे ही हमारी यदि दृष्टि ठीक नहीं तो बच्चे सब देखते हैं और बोलचाल ठीक नहीं, व्यवहार ठीक नहीं, यदि बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा करते हैं या फिर हम हमारा वस्त्र ठीक पहन के नहीं आते, कम पहन के आते हैं, जैसे ऐसा लगे कि जो ऐसा लगे कि जैसे आधे कपड़े पहने हुए हैं, आधा बदन दिख रहा है, तो उससे बच्चों पर संस्कार नहीं पड़ेंगे। अपने आप को संस्कार देने के लिए अपने आप को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा। राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री और जोधपुर के प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने जिस तरीके से जोधपुर में जनसुनवाई की है, अलग अलग समस्याएं लेकर के लोग आए हैं और अपने आप में बड़ा संदेश भी हो जाता है कि विद्यालयों में विद्यार्थियों से लेकर के शिक्षकों तक को वो संस्कारवान बनाना चाहते हैं। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि हम जैसा करेंगे शिक्षक वैसा ही जो है बच्चे उसको फलीभूत करते हैं। अगर हम झूठ बोलेंगे, लेट आएंगे और अर्धनग्न कपड़े पहनेंगे तो इस तरह से संदेश गलत जाता है और बच्चों को संस्कारवान बनाने से राष्ट्र जो है वो उसका निर्माण होता है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जोधपुर प्रवास के दौरान मीडिया से जब बातचीत की है तब साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि किसी कांग्रेस पर भी हमला बोला है, खासतौर पर डोटासरा को लेकर के कहा है कि जिनके खुद के ऊपर खूब सारे आरोप लगे हैं उनको कुछ बोलने का अधिकार नहीं है, खासतौर पर उनको निकृष्ट जैसी बात उन्होंने कही है। तो अपने आप में कहीं ना कहीं राजनीति में दांव और पेच चलते हैं। जब कोई सवाल उठाता है तो जवाब देना होता है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जवाब दिया और देखना ये होगा कि ये जो कहीं ना कहीं जो छिटाकसी का जो मामला है या जो बड़े बड़े अच्छे डिसीजन लेकर के जो कोशिश की जा रही है, ये अपने आप में आने वाले समय में कहां तक लेकर के जाता है राजनीति को। राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जोधपुर।